नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मंडे यानी कि 19 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों कल का वीडियो, सॉरी सैटरडे का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था मैंने रात को, तो जो लोग ने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने हमेशा की तरह एक भी दिन का आपका वीडियो स्किप तो नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर उस वीडियोज़ को भी करिए देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ सारे न्यूज़पेपर में रहते हैं और सारे दिन रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी दिन आप मिस ना करें, क्योंकि मैं वीडियो सारी अपलोड करता ही हूँ, तो आप ही आज नहीं तो कल आप अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से ज़रूर देख सकते हैं। तो जो लोग वीडियो में नए हैं, मैं उनको बता दूं कि ये सीरीज़ में इकोनॉमिक टाइम्स को पूरा कवर करता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़पेपर है, जिसमें इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़, जिसमें मैक्रो डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज़, जिसमें कुछ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ भी रहते हैं जो कि सेक्टर के इफेक्ट करता है, तो वो सारे न्यूज़ को मैं कवर करता हूँ, ठीक है। टॉप 25-30 न्यूज़ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ न्यूज़ जो उस पर्टिकुलर डे में आए, वो मैं न्यूज़ को कवर करता हूँ। कुछ न्यूज़ जैसे मैं जो कवर नहीं करता हूँ, जैसे कि पॉलिटिकल न्यूज़ रहती है कि भाई आम आदमी पार्टी का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, या इधर बीजेपी ने ये प्रोटेस्ट किया कांग्रेस के खिलाफ वगैरह वगैरह, ये सब प्रोटेस्ट या प्योर पे पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं कवर करता हूँ। बट हाँ, उसमें भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कुछ जानने को है, तो वो मैं ज़रूर कवर करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इस टाइप के वीडियोस और भी जब भी आऊँ लेके आऊँ तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलते जाए। दोस्तों मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हो गए, हो सकता हो वो इसलिए क्योंकि मैंने सैटरडे का वीडियो जो है वो थोड़ा लेट से डाला था। बट जो भी है, मैं अब वीडियोज़ तो क्योंकि रेगुलरली डालता हूँ तो आपको मिलता तो रहेगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़, मई आईफोन एक्सपोर्ट स्वेल टू रिकॉर्ड 10,000 करोड़। देखिए, मई का जो आईफोन सेलिंग है, सॉरी एक्सपोर्ट है, वो लगभग 2 बिलियन वर्थ के आसपास चले गया है, दैट इज़ अराउंड 10,000 करोड़। इंडिया जो है, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टोटल अराउंड $5 बिलियन इन FY23, एंड इसमें जो है फर्स्ट ब्रांड, दिस वॉज द फर्स्ट ब्रांड टू अचीव दिस माइलस्टोन। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये चीज़ और भी कंपनीज़ के लिए भी काफ़ी मोटिवेटिंग रहेगा, जो लोग इंडिया चाह रहे हैं कि भाई जो लोग अपना सप्लाई चेन इधर इंडिया में शिफ्ट कर दे, जैसे कि टेस्ला, उसे हम पिच कर रहे हैं बट टेस्ला का समाव कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है कि भाई आप हमें फुल यूनिट को इंपोर्ट करने का वो दो, हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे बस इधर ला के बेचेंगे वगैरह वगैरह, ये जो चैलेंजेस है इन लोग को भी एक अच्छा एक यू नो एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई अगर आप इंडिया में करते हो सप्लाई चेन तो आपका लॉस में नहीं जाएगा, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, ये छोटा सा न्यूज़ है, कॉल ऑफ ब्यूटी इंडिया न्यू डार्लिंग ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स। एक छोटा सा न्यूज़ है कि भाई जो व्यूअर्स जिन लोगों को मेकअप वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, तो अभी मेकअप के कई सारे ब्रांड्स इंडिया में इस्टेब्लिश होते जा रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि सिर्फ इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं वो काफ़ी ये सब चीज़ में स्पेंडिंग कर रहे हैं, और कई टॉप नॉच ब्रांड्स भी इंडिया में इस्टेब्लिश होते जा रहे हैं, जैसे कि शॉपर स्टॉप जो है रिटेल ब्रांड्स, जैसे कि एसटी लॉटर ब्रांड्स लाइक मैक, क्लिनिक, टॉम फोर्ड एंड केलियान ब्रांड्स को लेके आ रहा है। फिर उसके बाद सेलिना गोमेज का जो रेयर ब्यूटी ब्रांड है वो भी आ रहा है, और ये सफोरा लॉन्च कर रहा है इस चीज़ को। सफोरा आपको पता होगा कि भाई ये भी एक टाइप का नाइका टाइप का रिटेल चेन है इनफैक्ट, ठीक है, जो कि ब्रांड्स वगैरह में डील करता है, मतलब कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स वगैरह में डील करता है। तो ये सब अलग अलग ब्रांड्स जो है इंडिया में आते जा रहे हैं, क्योंकि इस सब में कंज्यूमर बढ़ रहा है। इंडियन ब्यूटी मार्केट टू रीच 7.4 बिलियन बाई 2025 एंड 5.6 बिलियन इन 2022 ऑलरेडी है ऐसा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, US स्टेट डिपार्टमेंट से वीज़ा इशू टॉप प्रायोरिटी। एक्चुअली वीज़ा इशूज़ के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, इंडिया US से काफ़ी रिजेक्शन्स आ रहे हैं वीज़ा के, ये पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड तो आ ही रहा है, तो US कह रहा है कि अब हम इस चीज़ को टेकअप करेंगे। June 21 to 24 PM का विजिट भी है, तो उस चीज़ पर जो है टेकअप करेंगे इस चीज़ को, वीज़ा का इशूज़ को, कि भाई इतने रिजेक्शन्स नहीं हो और जल्द से जल्द वीज़ा के अप्रूवल्स जो है इंडियंस को मिलते रहे। दोस्तों कई दिन से एक न्यूज़ फ्लैश हो रहा था जी प्रमोटर्स के खिलाफ, कि सेबी ने उनके खिलाफ ये कर दिया कि भाई उनके जो प्रमोटर्स है वो कोई भी लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर और या की मैनेजर पर्सनल का पोस्ट होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। मैं उस चीज़ को इग्नोर करते गया क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक मैं चाह रहा था कुछ कॉन्क्रीट आए तो फिर हम कुछ यू नो उस पर डिस्कस करेंगे। तो सेबी ने जो ये जो किया है इस चीज़ को, भाई
जो सेट असाइड किया है उनका, एज इन भाई आप कोई भी कंपनी में, प्रमोटर जो है आप कोई भी कंपनी में KMP नहीं ले सकते, कि मैनेजर पोजीशन नहीं ले सकते। तो ये चीज़ क्यों किया है आप सेबी ने? तो फिर प्रमोटर्स को जब ये इंस्ट्रक्शन गया, तो प्रमोटर्स गए सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल में, जहाँ पे सेबी के ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हो। तो सैट ने सेबी को 48 आवर्स का टाइम दिया था। अब सेबी के तरफ से एक रिप्लाई आ गया कि भाई जो इनके प्रमोटर्स हैं, इनफैक्ट चेयरमैन जो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के, उन्होंने पब्लिक फंड्स को प्राइवेट में डाइवर्ट किया है, फंड का मिसयूज़ किया है, और इस चीज़ के कारण हम इनको ये इनके खिलाफ जो है वो इंस्ट्रक्शन इशू किए थे। तो उनका कहना है कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, जी के प्रमोटर्स का ऐसा कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, आप बार बार इस टाइप के रेगुलेशन लेके आते हो तो सोनी एंटरटेनमेंट से जो हमारा जो मर्जर है वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट में चल जाता है। सोनी एंटरटेनमेंट ऑलरेडी मर्जर में आ चुका है जी एंटरटेनमेंट के साथ, तो अगर आप इस टाइप के जो रूलिंग्स निकालते तो उसके खिलाफ हमारा मर्जर भी थोड़े से खतरे में चल जाता है। तो फिर ये सब चीज़ के खिलाफ जो है सेबी को अब और भी रिप्लाई देना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे केस स्टडी में क्या होता है, बट अभी तक थोड़ा डेवलपमेंट था तो मैंने इसे शेयर कर दिया। अगेन मैं डे टू डे बेसिस पे इसे शेयर नहीं करूंगा, कुछ नेक्स्ट कुछ कॉन्क्रीट आता है तो मैं आपसे शेयर करता हूं इस पर। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, मोस्ट कंपनीज अगेंस्ट सैटकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन ISPA। देखिए अब मैंने आपको ये चीज बताया था कि भाई जो ISPA दैट इज इंडियन स्पेस एसोसिएशन, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई 73% ऑफ द रेस्पॉन्डेंट्स, दैट इज 47/64 ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स हैव डिक्लेयर दैट दे डू नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू द ऑक्शन रूट वाइल एलोकेटिंग द सैटकॉम स्पेक्ट्रम। एक्चुअली इनका मैं बता देता हूँ आपको बैकग्राउंड क्या है, मैंने इस न्यूज़ को पहले भी कवर किया बट फिर भी चलिए आपको एक हाईलाइट दे देता हूँ। स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला था, दैट इज सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का, तो इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक है जिसमें रिलायंस और वोडाफोन जैसी कंपनी है, उन लोग ये बोल रहे कि भाई ऑक्शन करो, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अगर चले तो अगर हम कोई भी स्पेक्ट्रम का एलोकेट करते हैं तो वो ऑक्शन के थ्रू ही एलोकेट कर सकते हैं, हम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रूट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि भाई 2012 में जो 2G स्कैम हो गया था उसके खिलाफ जो है काफ़ी एलिगेशंस वगैरह उठे थे कि भाई 2G स्कैम जो है उन्होंने मिनिस्टर या गवर्नमेंट ने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बांट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा कि भाई ठीक है, अब से जो स्पेक्ट्रम का हमेशा ऑक्शन होगा। अब क्या हुआ, सैटेलाइट के स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने के लिए बोल रहा है, मतलब बात चल रहा है। तो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ये बोल रही है कि भाई अब सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम का ऑक्शन मत करो। क्यों? दो तीन रीजन है उसके लिए। पहले ये रीजन दे रहे हैं कि भाई सैटेलाइट का जो ऑक्शन है वो स्पेक्ट्रम का कहीं पर भी नहीं होता, कोई भी कंट्रीज में नहीं होता, और सैटेलाइट का ऑक्शन जो है वो सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर कंट्री को थोड़ी बिलोंग करता है, वो तो इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो फिर आप उस पर स्पेक्ट्रम बैंड का एलोकेशन कैसे कर सकते हो, आप उस पर स्पेक्ट्रम बैंड का ऑक्शन कैसे कर सकते हो, ठीक है। थर्ड उनका ये थॉट था कि भाई अगर मान लीजिए ऑक्शन करते हो आप, तो कोई जो कंपनीज मान लो एक जियो मान लो वो मेजॉरिटी शेयर खरीद लेती है स्पेक्ट्रम में, क्योंकि वो हाई बिड करती है। अब क्या बाकी सैटेलाइट कंपनीज फिर कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? जो उन लोग ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सैटेलाइट कंपनीज, वो तो फिर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर्स को काफ़ी दिक्कत जाएगा, यूजर्स को काफ़ी दिक्कत जाएगा, जिन लोग स्पेक्ट्रम जो लोग जो है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का के थ्रू अपना सर्विसेज ले रहे हैं। तो इसके खिलाफ कुछ कंपनी जो सैटेलाइट कंपनीज जो है, जैसे स्टारलिंक हो गया टेस्ला से थोड़ा बैक, फिर उसके बाद आपका ये हो गया वन वेब हो गया जो कि एयरटेल के द्वारा बैक्ड है, तो ये सब कंपनी जो अपील की है कि भाई ऐसा मत करिए। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द रेस्पॉन्डेंट्स जो ये बोल रही है कि भाई स्पेक्ट्रम का एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करिए, उसको प्रूडेंटली करिए बट एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ही करिए। देखते आने वाला टाइम में क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज उससे मिलता जुलता न्यूज है दोस्तों, ब्रॉडकास्टर्स फोरम राइट्स टू DOT ओवर सी बैंड इशू। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये सी बैंड इशू है क्या। एक्चुअली 3,700 से लेके 4,200 का जो बैंड है वो आपको एलोकेट किया गया है इनको, जो टेलीकॉम कंपनीज नहीं सॉरी जो जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज रहती है जैसे TV वगैरह आप देखते हैं ना, तो उन सब कंपनीज को जो है वो स्पेक्ट्रम बैंड एलोकेट किया गया है। अब क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज बोल रही है कि भाई हमारा स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा बढ़ाइए, तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 3,700 से लेके क्यों नहीं हम जो 4,000 तक का जो बैंड है वो हम टेलीकॉम कंपनीज को दे दें, ठीक है, एंड ब्रॉडकास्टर्स को सिर्फ 4,000 to 4,200 का बैंड दे दें। तो ब्रॉडकास्टर्स बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ही हमने आपको रिक्वेस्ट किया था कि 3670 से लेके बैंड 4,200 तक हमें एलोकेट कर दें, हम आपको उल्टा बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप हमारा बैंड 300 बैंड से घटा के 4,000 से 4,200 लेके जा रहे हो। मतलब
हमारे लिए तो सर्विस प्रोवाइड करना इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब हमारा तो 60% ऑफ द सर्विसेज तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप ऐसा मत करिए, टेलीकॉम कंपनीज का कोई और सोल्यूशन निकाल कर दीजिए, हमारा स्पेक्ट्रम का बैंड को कम मत करिए। इससे क्या होगा, सिग्नल्स वीक होंगे, क्योंकि 5G जब दोस्तों यूज़ करता है ना सिग्नल, तो वो बहुत स्ट्रांग सिग्नल यूज़ करता है, और ब्रॉडकास्टिंग जो सिग्नल यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा वीक भी चलता है उन्हें। तो अगर 5G अगर सेम स्पेक्ट्रम में अगर डाल दिए दोनों को, तो 5G जैसे जैसे यूज़ करेगा वैसे वैसे ब्रॉडकास्टर्स को अपना सिग्नल मिलना बंद होगा, तो वैसे वैसे सर्विसेज पुअर होते जाएंगे। तो ऐसा इस आर्टिकल में कहा है। तो अगर अब देखते हैं गवर्नमेंट का क्या डिसीजन आता है इस चीज़ में, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज को काफ़ी लॉस हो सकता है, ऐसा ही आर्टिकल में कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, कोल प्राइसेस फॉल ऑफर्स गुड एंट्री इनटू SGB। SGB क्या होता है दोस्तों, सोवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड। ये ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा इशूड बॉन्ड्स रहता है, लेकिन वो किससे लिंक रहता है, वो गोल्ड के प्राइसेस से लिंक रहता है। अभी जो है 8 साल कंप्लीट हो जाएगा 2015 में जब गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया था SGBs। अब 2023 में उसे रिडीम करेगी, तो 2023 में जो गवर्नमेंट जो रिडीम करेगी उसका जो प्राइस है लगभग, आप समझ लो उसके रिटर्न के हिसाब से लगभग 11% के आसपास अच्छा रिटर्न मिला है इन्वेस्टर्स को, और आने वाला टाइम में और भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि कहते हैं कि भाई गोल्ड प्राइसेस अभी थोड़ा सा नीचे गिरे हुआ है, अभी आने वाला टाइम में और ऊपर जाएगा, क्योंकि कंट्रीज जो है जिस हिसाब से अपना वो बढ़ा रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, उस हिसाब से इकोनॉमी सारे रिसेशन में जाएंगे, और आपको पता है जैसे रिसेशन में जाते हैं तो बेस्ट एंड द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इज गोल्ड। तो उस हिसाब से गोल्ड का प्राइसेस भी बढ़ेगा, गोल्ड का डिमांड भी बढ़ेगा, ऐसा कहना है एनालिस्ट का। तो नाउ इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन SGBs। तो अगर आप भी चाहते हैं SGBs में इन्वेस्ट करना, तो मैं आपको बता दूं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि SGBs जो है अभी इस बार 2023 में भी एलोकेट होगी, सितंबर 11 को ये खुलेगा ये, और सितंबर 15 तक आप जो है इसमें कितना भी ग्राम खरीद सकते हैं, 1 ग्राम का मिनिमम बिड रहता है। तो 1 ग्राम का प्राइस कितना रहेगा, लगभग 5876 ग्राम के आसपास रहेगा, और अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो है ये अब रिटर्न कितना देगी वो तो डिपेंड करता है देखिए गोल्ड के प्राइसेस पे, कि एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स वो कितना परसेंट रिटर्न दे रही है वो तो गोल्ड के प्राइस पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, आपको 2.5% जो है हर साल जो है आपको रिटर्न मिलते रहेगा, मतलब उस चीज़ में जो इनकम मिलते रहेगा, आप सॉर्ट ऑफ समझ लीजिए उसे डिविडेंड मिलता रहेगा, जो कि अगर आप फिजिकल गोल्ड होल्ड करते हैं तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और अगर आप गोल्ड के लिए बुलिश है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करिए। गवर्नमेंट ने SGBs को क्यों निकाला था दोस्तों, गवर्नमेंट ने SGBs को इसलिए निकाला था, एक तो थोड़ा सा सेविंग्स का जो मेथड है वो थोड़ा सा बड़े लोगों में, और जो गोल्ड के जो इम्पोर्ट हो रहे हैं फिजिकल फॉर्म में इंडिया में, लीगली इलीगली जो भी है, उससे जो इम्पोर्ट बिल्स बढ़ रहे हैं हमारे, वो थोड़ा कम हो जाए ताकि हम SGBs को देते। तो रिटर्न आपको ऑलरेडी लिंक रहेगा गोल्ड के प्राइसेस से, आप वो चीज़ खरीद सकते हो, और ये RBI के गोल्ड के प्राइसेस से लिंक रहता है, एज इन RBI के जो गोल्ड है उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। तो ये तो सेफेस्ट, मतलब मैं बोलूँगा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन दी अर्थ है इस टाइप का ही है, तो डिफॉल्ट का तो कोई स्कोप ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, टाइटर ओरिजिन नॉर्म्स लाइकली टू चेक चीप इम्पोर्ट्स। एक्चुअली दोस्तों हो क्या रहा है, देखिए हम बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ एक FTA साइन करके रखे कि भाई ये कंट्रीज से हम थोड़ा सा कम इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज करेंगे, और फिर वो कंट्रीज़ भी हमारे तरफ से जब एक्सपोर्ट होगी और उस कंट्री में जब इम्पोर्ट होगी तो वो भी उस हिसाब से कम चार्ज करेंगे, जैसे कि EU, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि UAE, ऐसे कई सारे कंट्रीज़ हैं जिसके साथ हमने FTA साइन किया। तो हो क्या रहा है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री से सपोज चाइना अगर इंडिया में इम्पोर्ट करेगा तो उस पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ 20% ड्यूटी लगेगा, बट वही अगर गुड्स UAE से आ रहा है तो उसमें मान लीजिए 0% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा। तो चाइनीज़ कंपनीज़ क्या करते हैं, या UAE की इम्पोर्टर्स क्या करते हैं, चाइना से इम्पोर्ट करते हैं एंड देन फिर उसे इंडिया में भेज देते हैं, तो चीपर प्राइस में इम्पोर्ट हो गया। लेकिन अब इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है कि भाई कई बार वो गुड्स के क्वालिटीज़ भी अच्छे नहीं होते जो इंडिया में इम्पोर्ट हो जाते हैं, और कई बार वो एक अलग रूट से आ रहे हैं लेकिन है वो चाइना के गुड्स। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई उस चीज़ को थोड़ा चेक करने के लिए जो रूल्स है, रूल मतलब ओरिजिन का रूल्स है, वो हम टाइट करेंगे कि भाई एटलीस्ट एक सब्सटैंशियल फॉर्म ऑफ चेंज होना चाहिए आपके गुड्स में, तभी हम मानेंगे आपके गुड्स ये कंट्री से इम्पोर्ट हो रहा है, या ये तो हम मानेंगे आप जिससे इम्पोर्ट कर रहे हो, हम ये चीज़ मानेंगे वो ही कंट्री से हम भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो जितना ड्यूटी हम वो कंट्री ए को यानी कि चाइना को लगाते उतना ड्यूटी हम आपको भी लगाएंगे। तो ऐसा करके रूल्स जो है टाइटन हो रही है इम्पोर्ट की, सो दैट एक एंटी डंपिंग टाइप का एक्ट करे, मतलब चाइना से सस्ते गुड्स और ख़राब गुड्स इंडिया में डंप ना हो जाए, या कोई भी कंट्री से फॉर दैट मैटर इंडिया में डंप ना हो जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट है नहीं, बट वो वाया आ जाते हैं जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा टाइटन करने जा रही है नॉर्म्स, क्या करती है कैसे करती है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा।
फिर उसके बाद वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्लान्स हिट अ स्नैक। देखिए एक्चुअली वंदे भारत का जो हम लोग बार बार न्यूज़ में सुन रहे हैं कि वंदे भारत अभी ट्रेन जो है लॉन्च होते जा रही है ये वो करके, वंदे भारत में ना तीन पार्टनर्स हैं, एक है TMH, एक है RVNL और एक रशियन कंपनी। TMH का स्टेक है 70%, RVNL का स्टेक है लगभग 25% और LES जो रशियन कंपनी है उसका स्टेक है लगभग 5%। अब एक्चुअली वो कह रहा है, RVNL क्लेम कर रही है कि हमारे पास 28% स्टेक है, 25% नहीं है, बट ये दोनों कंपनीज कह रही है एज़ पर द अग्रीमेंट इट इज़ 25%। RVNL क्यों 28% बोल रही है ऐसा समझ नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तो इनफैक्ट RVNL 28% भी नहीं, RVNL कह रही है कि अब हमारा 69% स्टेक है। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए काफ़ी डिस्प्यूट हो गया कि अब वो JV में किसका कितना शेयर है, वो चीज़ अब पता नहीं चल पा रहा है। ये JV इतना इंपॉर्टेंट क्यों दोस्तों? क्योंकि ये JV ने लगभग 120 आउट ऑफ 200 वंदे भारत ट्रेन्स का बिड जीता था, तो अब ये JV ही सप्लाई करेगी 120 आउट ऑफ 200 जो वंदे भारत है। जब तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तब तक वंदे भारत का थोड़ा सा स्कीम ही थोड़ा सा जो इम्प्लीमेंटेशन है वही थोड़ा सा धीरे हो सकता है, या तो फिर ऐसा भी होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा फिर रीबिडिंग होगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो इसलिए थोड़ा आने वाला टाइम में देखना पड़ेगा कि भाई ये कैसे गवर्नमेंट इस चीज़ को हैंडल करती है या कैसे कंपनीज इंटरनली इस चीज़ को हैंडल करती है। छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़, डायरेक्ट टैक्स मॉप अप प्राइजेस 11.2% टू 3.8 लाख करोड़ इन अप्रैल और टू जून। देखिए डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया है, सेंटर के बजट के हिसाब से भी सेंटर जो है बोला था कि 9.6% से बढ़ेगा, इनफैक्ट वो बढ़ के लगभग 11.2% हो गया है। तो कॉरपोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, ये सब सारे बढ़ते जा रहे हैं, एडवांस टैक्स, ये सब चीज़ इसलिए भी बढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि TTS TCS का भी थोड़ा बहुत नॉर्म्स का रिक्वायरमेंट्स आ गया है, तो उसके कारण भी जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। छोटा सा न्यूज़ है, मैंने आपके लिए कवर कर दिया। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बाइडेन 2024 किक ऑफ काउंटर ट्रंप विथ फोकस ऑन इकोनॉमी एंड वेल्दी। ये काफ़ी पॉलिटिकल न्यूज़ है जो कि मैं कभी कवर नहीं करता हूँ, बट मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ये कि बाइडेन जो एक नया टैक्स लॉ लेके आ रहे हैं US में, जो कि US इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। बाइडेन जो है वो कह रहे हैं कि भाई वो एक नया टैक्स लेके आएंगे ऑन वेल्दी एंड कॉरपोरेशंस, ताकि उससे क्या हो, फंडिंग हो प्रोजेक्ट्स वगैरह का जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, प्रोजेक्ट्स एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गया, बाकी अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स हो गए जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वो ट्रेड यूनियन वर्कर्स को टारगेट करे कि भाई उनका वोट जीतने के लिए वो टारगेट ये चीज़ कर रहे हैं। फिर ये चीज़ उन्होंने कहा कि भाई रिपब्लिकन्स जो आएंगे इस चीज़ को रोल बैक कर देंगे, आप रिपब्लिकन्स को मत आने दो, वो तो एक प्योर प्ले पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया, बट मेन जो टैक्स रिफॉर्म के बारे में था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, काखोवा डैम के बारे में है। काखोवा डैम एक्चुअली अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि उधर एक ब्लास्ट हो गया, उससे क्या हो रहा है कि क्रीमियन जो रीजन है उधर पानी का सप्लाई कम हो गया, इनफैक्ट बंद ही हो गया। तो मतलब ये डैम से जो पानी आता था वो बंद हो गया, तो इसके कारण जो है रशिया यूक्रेन दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भाई तुमने किया तुमने किया। तो नुकसान तो देखिए दोनों को ही है, दोनों के अपने अपने बॉर्डर पे नुकसान है, क्रीमिया क्योंकि रशिया के अंडर है तो उनको वैसे नुकसान है, और क्योंकि ये डैम से यूक्रेन को भी पानी आता तो उनको भी नुकसान है। तो अब दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे भाई तुमने किया तुमने किया, रशिया कहते भाई मैं क्यों करूँगा, नुकसान तो मुझे भी है, तो यूक्रेन कह रहा है भाई तुमने किया। अब ये चीज़ प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स के हिसाब से चीज़ पता चला है कि भाई रशिया ने ये चीज़ किया है जो एक्सप्लोजन, अगेन जो ये अभी भी बायस्ड मैं कहूँगा एक रिपोर्ट, क्योंकि मतलब बायस एज इन अभी भी रशिया का काउंटर तो नहीं आया अभी तक इस चीज़ में, तो लेकिन प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स जो कि यूक्रेन की तरफ से आया है वो ये चीज़ कह रहा है कि भाई रशिया ने ये चीज़ किया है ब्लास्ट। देखते हैं आने वाला टाइम में इस पर क्या और डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है, बट दोस्तों बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब चीज़ों के कारण अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डैमेज हो रहा है आम लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आउटसोर्सिंग हब्स लाइक इंडिया टू बैक 40% ऑफ दी जॉब्स लॉस्ट टू ले ऑफ्स। देखिए कई सारे कंपनीज ले ऑफ कर रही है, ठीक है, स्पेशली टेक कंपनीज, वो इस बेसिस पे ले ऑफ कर रही है क्योंकि कंपनीज कह रही है कि भाई हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है, रिसेशन का टाइम है, हम ले ऑफ कर रहे हैं। अब वापस से जो री हायरिंग होगी, एनालिस्ट का एस्टिमेट है कि भाई वापस से री हायरिंग उस कंट्री में नहीं होगी, इनफैक्ट उस कंट्री से आउटसोर्स हो जाएगी वो सब जॉब्स, और वो सब जॉब्स में सबसे ज़्यादा इंडिया अभी लैमलाइट में है कि भाई इंडिया के पास ही आउटसोर्स होगी सबसे ज़्यादा जॉब्स। तो 40% ऑफ द जॉब्स कह रहे हैं कि भाई जो कि ले ऑफ हो गई है अब वो इंडिया को वो चीज़ आउटसोर्स हो जाएगी। ठीक है,
दोस्तों अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेकमेंड करिए दोस्तों। वही चीज़ मैं आपसे बस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैं अपने वीडियोस कंसिस्टेंटली लेके आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी ये चैनल को कंसिस्टेंटली सपोर्ट करें, ताकि जो है हमारा जो चैनल से जो व्यूअर्स है वो काफ़ी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा पाए। मेहनत लगता है दोस्तों इस टाइप के वीडियोज़ को बनाने में, तो उम्मीद है आप इस चीज़ को इस तरीके से अप्रिशिएट करें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, हाउ यूरोप इज़ लीडिंग द ग्लोबल रेस टू रेगुलेट एआई टेक्नोलॉजी। देखिए यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या कर रहा है कि भाई अलग अलग रेगुलेशन लेके आ रहे हैं एआई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि देखिए आज के डेट में एआई को सब सारे कंट्रीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो यूएस बोलो, चाहे वो ईयू बोलो, चाहे वो इंडिया बोल लो। तो अब जो है ईयू जो है थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स लेके आई है, जैसे कि ईयू ने उस एआई रेगुलेशन ईयू ने कोई कोई एआई को बैन कर दिया है, जैसे कि कौन कौन से। पहला, एआई जिससे यूज़र के प्रेफरेंसेस बदल सकते हैं, यूजर्स के प्रेफरेंसेस ऑल्टर हो सकते हैं, ठीक है, दैट हैव सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू मैनिपुलेट यूजर्स थ्रू टेक्निक्स दे हैव नॉट फुली अंडरस्टूड। फिर उसके बाद एआई दैट एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन और डिसेबल्ड पीपल इन द वेज दैट देयर बिहेवियर इज डिस्टॉर्टेड एंड दे फेस साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हार्म। फिर उसके बाद कुछ ऐसे सोशल स्कोरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स पे अगर कोई एआई आता है कि भाई ये इंडिविजुअल ऐसा है, वो इंडिविजुअल ऐसा है, मतलब सोशल स्कोरिंग नहीं आना चाहिए उस पर, ठीक है। यूज़ ऑफ रियल टाइम रिमोट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, एआई के द्वारा अगर आपको पता होगा तो बायोमेट्रिक चीज़ों के द्वारा जो है काफ़ी चीज़ें आजकल अनलॉक हो जाती है, जैसे आपका फ़ोन से फेस लॉक अनलॉक हो जाता है, ठीक है, फेस आईडी से, तो वो चीज़ भी एआई को कहा जा रहा है कि भाई आप इस चीज़ को बंद करो या इस चीज़ को कम करो, एटलीस्ट डेटा को प्रोटेक्ट करो अगर आप ऐसा कर भी रहे हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेप्शंस आर ओनली अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस, इमिटेशन ऑफ ह्यूमन बाय एआई विदाउट डिस्क्लोजर विद द एक्सेप्शन दैट इट हैज़ टू बी डन बाय द अथॉरिटीज फॉर डेजिग्नेटेड। मतलब कोई भी ह्यूमन को इमिटेट नहीं करेगी एआई, ठीक है, और अगर करती भी है तो एक प्रॉपर पर्पस जिससे अथॉरिटीज़ का अप्रूवल है तभी उस चीज़ को वैसा सॉफ्टवेयर लेके या एआई लेके आ सकते हो, वरना नहीं लेके आ सकते। फिर दोस्तों आज का बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, HDFC सीक्स RBI परमिशन टू क्लासिफाई सम बॉन्ड्स अंडर द इंफ्रा कैटेगरी। देखिए दोस्तों ये न्यूज़ क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 7 ईयर्स से अबव जितने भी बॉन्ड्स है HDFC कह रहा है कि भाई आप उसे क्लासीफाई कर दो एज इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। HDFC ऐसा क्यों कह रहा है, देखिए HDFC बैंक का और HDFC का मर्जर होने वाला है, ये चीज़ आपको पता है, मर्जर ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है, नेक्स्ट मंथ तक हो सकता है दोनों कंसोलिडेट कर दे। अब HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारे बॉन्ड्स इनके इशूड है, अगर मान लो HDFC जो कंसोलिडेटेड कंपनी है इस सब बॉन्ड्स को अगर एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मानता है, मतलब अगर ये सब बॉन्ड्स को एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मानता है तो इनको काफ़ी ज़्यादा SLR और CRR साइड करना पड़ेगा अपने वो SLR CRR के रिक्वायरमेंट्स को लेकर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई बॉन्ड में अगर आपका इशूड है, पहली बात तो अगर आप कोई लोन इशू करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना पड़ता है, CRR और SLR आपको साइड करना पड़ता है। कितना परसेंट है, CRR लगभग आपका 4.5% है, SLR आपका 18% है। अब CRR SLR क्या होता है वो आपको अगर समझना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको इस डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा, बट इस लेक्चर में इतना मैं आपको बता देता हूँ, ये परसेंटेज इतना है कोई भी लोन का, आपको इतना परसेंटेज आपको साइड करना पड़ेगा। अब ये जो कंपनीज मर्जर होगी ना, तो इसमें कई सारे बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कि 7 साल से अबव है। अब HDFC कह रहा है कंसोलिडेटेड एंटिटी, भाई अगर आप इसको एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्लासीफाई कर दे तो RBI के रूल के हिसाब से क्या है, अगर कोई बॉन्ड एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासीफाई हो गई तो उस बॉन्ड या उस लोन के खिलाफ आपको फिर साइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो HDFC ये रिक्वेस्ट कर रहा है RBI को कि भाई ऐसे बॉन्ड जो कि 7 साल से अबव है आप उसको प्लीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के कैटेगरी में क्लासीफाई कर दीजिए, ताकि हमें उसके अगेंस्ट भी CRR और SLR साइड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा और उतना ही पैसा वो लोग बिजनेस जो है बिजनेस में लगाएंगे, एज इन लोन्स देंगे और उससे प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट से देखते हैं RBI किस हद तक इस चीज़ को मानता है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, पोवेल फेसेस कैपिटल हिल स्पॉटलाइट आफ्टर रेट हाइक पॉज। देखिए एक्चुअली ये न्यूज़ क्या है कि पोवेल जो है वो अभी काफ़ी मतलब स्पॉटलाइट में आ गए, जबकि इन्होंने अभी इंटरेस्ट रेट पॉज किया था। रिपब्लिकन्स का कहना है कि भाई आप किस बेसिस पे पॉज कर दिए इंटरेस्ट रेट, अभी भी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, आप किस बेसिस पे पॉज कर दिए। डेमोक्रेट्स का कहना है कि भाई आप पॉज तो किए, अच्छा किए, लेकिन आप हमें बेसिस बताइए। तो ये दोनों तरफ से
मतलब डेमोक्रेट्स ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये दोनों तरफ से थोड़ा सा भी स्पॉटलाइट में है, लाइमलाइट में है अभी, इनको जो है कटघरे में जो बोल सकते हो आप रखा जाएगा और उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि आप किस बेसिस पे, तो इनका डिटेल रिप्लाई एक बार अवेट करते, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा कि भाई US में जो है अभी जो ट्रेजरी किस हिसाब से आगे बढ़ने वाली है, फेड किस हिसाब से अपना स्टांस रखेगा, तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा अगर इनका, अगर हम बयान देखें तो इनका जो वो क्या बोलते हैं इनका जो आंसर्स देखें अगर हम स्टडी करेंगे तो उस चीज़ से काफ़ी एक क्लियर होगा पिक्चर कि US आने वाला टाइम में क्या स्टांस रखने वाला है उनका फेड। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, न्यू कंजम्पशन सर्वे टू ट्रैक ऑनलाइन एक्सपेंसेस। देखिए कंजम्पशन सर्वे हर 5 साल में होता है NSO के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ये चीज़ कंडक्ट किया जाता है ताकि कंज्यूमर सर्वे ये एक अलग चीज़ है HCES, बट कंजम्पशन सर्वे जो है ये भी NSO के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब इसमें कंजम्पशन सर्वे में जो है OTT वगैरह का न्यूज़ लेगी, OTT वगैरह का जो सब्सक्रिप्शन आप कितना कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन में फूड में कितना स्पेंड कर रहे हैं, या डिजिटल शॉपिंग कितना कर रहे हैं, ये सब चीज़ का भी अभी स्पेंडिंग का ट्रैक रखेगी। पहले ये सब चीज़ नहीं होता था, लास्ट ये कंडक्ट हुआ था 2018 में, अब 5 साल बाद अब कंडक्ट हो रहा है। उस समय अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह थे इनमें, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना अभी ये हो गए, अभी कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये सब चीज़ के कारण भाई एक मिलेगा, एक क्रूशियल इनपुट मिलेगा, क्रूशियल इनपुट मिलेगा NSO को भी भाई कैसे कैसे ये इनपुट्स को यूज़ किया जाएगा फिर, कि भाई कितना हद तक क्या एक्सपेंडिचर क्या चीज़ में हो रहा है एक कंज्यूमर का, एक इंडियन कंज्यूमर का, वो चीज़ ट्रैक रखने में अच्छा काम आएगा। अगर हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की बात करें तो वो NSO के द्वारा कंडक्ट होता है एवरी 5 ईयर्स में। लास्ट सर्वे जो है 2017-18 में हुआ था, इसमें कई सारे डेटा जो इनकंसिस्टेंट हो गए, कई सारे डेटा जो अभी रिडंडेंट हो गए, जैसे कि DVDs, CDs, ये सब में आप कितना स्पेंडिंग करते हो, तो वो सब डेटा अभी कोई रेलिवेंट नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ये एक्सपेंडिचर सर्वे को थोड़ा सा रिवाइज किया जाएगा ताकि ये एक्सपेंडिचर पैटर्न समझ पाए। फिर उसके बाद लास्ट न्यूज़ दोस्तों, टार्डी मॉनसून पुशेस बैक खरीफ सोइंग, इंडिया 37% रेट डेफिशिएंट। देखिए एक्चुअली क्या है, पहले से ही डर था कि एलनिनो का इफेक्ट इंडिया में हो सकता है। इस बार क्या IMD का प्रेडिक्शन है कि चलो नॉर्मल रेनफॉल तो होगा, बट अभी तक इंडिया जो है 37% रेन डेफिशिएंट है। आने वाला टाइम में देखिए क्या होता है, मानसून भी जो है स्ट्राइक करने वाला था 1 जून को, अभी 8 जून को स्ट्राइक किया केरला कोस्ट में। सोइंग सीजन जो है अभी जून के एंड में नहीं होकर जुलाई में अभी होने का चांसेस है, तो ये सब चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा हमारे प्रोडक्शन में। और दोस्तों ये काफ़ी क्रिटिकल है आने वाले टाइम में बहुत कुछ डिसाइड करने में। अगर प्रोडक्शन कम होता है तो हमारा सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम होगा तो अगेन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा तो ऑब्वियसली फिर RBI कंट्रोल करने के लिए वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो ग्रोथ कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है ये एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे होता है, तो आने वाला टाइम में अपने को और पिक्चर क्लियर होगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और क्या सजेशन चाहते हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों ना भूलें। हैव अ नाइस rest of the day.